ठीक करने में मदद करना। तो जब शाम सुंदर मथुरा चले गए राधारानी के स्वर्ग में, जय कृष्ण राधे राधे दोस्तों। और हम लोग आए थे बांके बिहारी अब वृंदावन में। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं काफी भक्तों लोग की भीड़ लगी हुई है, सभी दर्शन के लिए जा रहे हैं। और काफी ज्यादा विलम्ब समय हो गया है, पता नहीं मंदिर बंद है, 12 बजे तक तो मंदिर बंद हो जाता है, यही सुनने में आ रहा है। और इधर देखिए हितेश भाई है, तो चलिए देखते हैं मंदिर चालू है कि बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग इधर देख सकते हैं कि ये बांके बिहारी का मिठाई घर है, और इधर श्रृंगार का सामान विक्रय हो रहा है, और भक्तगण लोग आ रहे हैं। दोस्तों बांके बिहारी मंदिर आए वृंदावन में, तो मंदिर ज़्यादा समय बीत जाने के कारण बंद हो गया है, 12 बजे तक इस समय रहता है और बंद हो गया है। तो अब जा रहे हैं, देखते हैं अगले मंदिर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परिश्रम करके आए हुए हैं गौरी गोपाल आश्रम, जो कि आप लोग इधर देख सकते हैं अनिरुद्धाचार्य जी हैं महाराज, जो कि आप लोग जानते हैं इनको अच्छी तरीके से। तो दोस्तों आप लोग इधर देख सकते हैं कितने भक्तगण बैठे हुए हैं, बहुत दूर दूर से आए हुए हैं दर्शन करने के लिए, कथा भी सुनने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी का, महाराज जी का। तो आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा फोटो लगा हुआ है, और इधर हितेश भाई है। दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, अभी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी जहाँ पर कथा उनका होता है वहाँ पर लेकर चलेंगे, और वीडियो में उनको लाने का प्रयास करेंगे, देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं। क्योंकि दोस्तों इतना काफ़ी ज़्यादा भक्तगण का भीड़ लगा हुआ है कि मुश्किल है दोस्तों मिलना या कथा में पहुँचना, और कथा में पहुँच कर वीडियो बनाना दोस्तों बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे आप लोग के लिए। तो सपोर्ट आप लोग का बनता है दोस्तों। इधर देख सकते हैं हितेश भाई भी अपना वीडियो बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आप लोग को लेकर चलता हूँ। दोस्तों जहाँ अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का कथा हो रहा है वहाँ पर दोस्तों देखिए हम पहुँच चुके हैं, और अब दिखाएंगे आप लोग को कथा। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही काफ़ी ज़्यादा भक्तगण का भीड़ लगा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। बैठे हुए हैं, और देखिए इधर ये, और पूरा हम लोग आए हैं देख सकते हैं, बहुत ही कथा सुनने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है, देख सकते हैं हितेश भाई। ये देखिए दोस्तों 3-4 लैपटॉप कंप्यूटर लगा हुआ है लाइव प्रसारण के लिए, और इधर देख सकते हैं एक दोस्तों एलसीडी टीवी लगा हुआ है, और ये एक क्रेन कैमरा भी है, और ड्रोन कैमरा, और 4-5 बड़ा बड़ा कैमरा लगा हुआ है, तभी तो लोगों तक पहुंचता है जो दूर दूर हैं
जो सोशल मीडिया पर देखना चाहते हैं वो लोग लाइव प्रसारण देख सकते हैं अनुराधाचार्य महाराज जी का कथा। तो जब शाम चंद्र यात्रा चले गए राधा रानी के स्वप्न में आकर के वो उस भाव पर मन में लगाते हो और जब नील बुद्धि जब राधा रानी से मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया नदी यमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती है भ्रमर गुंजार से भी यही मधुर आवाज आती हो। ये दोस्तों देख सकते हैं श्री गरु गरु गोपाल सेवा संस्थान समिति कार्यालय जो कि यहाँ पर आप दोस्तों गौशाला जो कि दोस्तों आप लोग यहाँ गौशाला यानी कि गौ माता के लिए दान पुण्य कर सकते हैं। इधर कथा चल रहा है और इधर काफी लोग आ रहे हैं, इधर हितेश भाई हैं। तो दोस्तों हम लोग अनुराधाचार्य महाराज जी का कथा सुनकर अब जा रहे हैं गौरी गोपाल वृद्धा आश्रम में। यह कथा हो रहा था दोस्तों कई दिनों से हो रहा था तो आज हम लोग भी सोचे हैं कि चलें। तो दोस्तों फाइनली हम लोग अब जा रहे हैं और जो भी था वीडियो में दिखाई ही दिए हैं। आप लोग वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।